हे गाइस, आप सभी का स्वागत है टीम्स फॉर विन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 का मैच नंबर 9 होगा और खेला जाने वाला है एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। अभी वेन्यू शिफ्ट हो चुका है, दो लगातार मैचेस आपने देखे वानखेड़े स्टेडियम पे, जहां पे चेज बहुत बढ़िया किया टीम्स ने, और अब जो है वेन्यू शिफ्ट हो चुका है जहां पे जो है पिच बहुत स्लो रहता है, बिल्कुल उल्टा जो है यहाँ पे वानखेड़े पे होता है उसी का उल्टा यहाँ पे होता है। तो आगे वीडियो में सारा कुछ जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे मैं वीडियो जो है शॉर्ट में रखने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मेरा शेड्यूल भी जो है बहुत टाइट चल रहा है, तो उसी के बीच में मैं जो है यहाँ पे आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। तो एफर्ट्स के लिए लाइक ज़रूर कर देना, बहुत कंजूसी कर रहे हो आजकल लाइक्स में, तो ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वेदर इन्फो की बात करता हूँ तो वेदर क्लियर है, कोई यहाँ पर जो है बारिश के चांसेस नहीं है। और पिच की बात करी जाए तो ये जो है एक बहुत ही स्लोअर साइड रहा है, आपने देखा ही होगा यहाँ पे स्पिनर्स कितना एंजॉय करते हैं मैच को। ओके तो स्पिन बहुत अच्छा होता है इस वेन्यू पे, और लगातार जो यहाँ पे बॉलर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया इस सीज़न के मैचेस में भी। टोटल 86 मैचेस इस वेन्यू पे खेले गए हैं, 50 टाइम्स बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करना एक अच्छा डिसीजन बन सकता है। 160 के आसपास अगर पहला इनिंग में जो एवरेज टोटल है वो अगर बन जाता है तो यहाँ पर डिफेंड किया जा सकता है। लास्ट दो मैचेस में हमने ये लगातार देखा है। ओके, रिसेंट जो मैचेस हैं वहाँ पर देखना, लगातार यहाँ पर 150 अराउंड स्कोर बन रहा है। ओके, और दोनों ही मैचेस यहाँ पे जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, और स्पिनर्स ने बहुत बढ़िया काम किया। भले ही यहाँ पे जो है डोमिनेंस पेसर्स का रहा, लेकिन की रोल जो वो कमर तोड़ने वाली जो बात होती है और वो जो की विकेट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट विकेट्स होते हैं, वो सारे जो यहाँ पे स्पिनर्स ही निकाल के देते हैं। अब पुराने मैचेस में भी उठा के देखोगे तो लगातार वही आपको देखने को मिलेगा कि पहला बैटिंग करने वाली टीम ने अच्छा किया। ये जो मैच था मुंबई के अगेंस्ट जो मैच था रॉयल चैलेंजर्स का, ये वाला मैच जो है यहाँ पे कुछ अलग हुआ था, पहला मैच था ये, तो यहाँ पे कुछ अलग हुआ था। उसके अलावा जितने भी मैचेस हैं वहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने बहुत बढ़िया किया है। ओके, तो ये आपको जनरली इस वेन्यू पे देखने को मिलेगा। लास्ट 9 मैचेस में बॉलर्स ने अच्छा काम किया है, 119 विकेट निकाले हैं, यानी बहुत बढ़िया बॉलर्स का यहाँ पे परफॉर्मेंस रहता है। पेसर और स्पिनर आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा मार्जिन तो नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ पेसर आगे चल रहे हैं। पहला सेकंड इनिंग में अगर आप देखोगे तो सेकंड इनिंग में बहुत ज़्यादा विकेट गिरते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे पेसर बहुत बढ़िया करते हैं सेकंड इनिंग में, और स्पिनर भी आज जो है यहाँ पे गेम में आ जाते हैं सेकंड इनिंग में। पहला इनिंग में पेसर जो है प्रीफर करना, और सेकंड इनिंग में पेस स्पिन दोनों का बराबर कॉम्बिनेशन आप लेके चल सकते हो। टीम्स इस वेन्यू पे मुंबई इंडियंस ने जो है कुल मिला के यहाँ पे जो है 14 मैचेस खेले हैं, 9 जीते और 5 मैचेस लॉस किए, 7.5 से जो है थोड़ा ऊपर का रन रेट है। रिसेंट जो मैच खेला था वो जीता था अगेंस्ट KKR, और उस मैच में जो है 10 रन से इस मैच को विन किया था। उस मैच में रोहित शर्मा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था 43 का, और सूर्य कुमार यादव 56। उसके अलावा बॉलिंग में से देखेंगे तो राहुल चहर, इन्होंने कमर तोड़ी थी सारे बैट्समैन की, इन्होंने 4 विकेट निकाले और लगातार 3 ओवर में 3 विकेट्स निकाले थे। ट्रेंट बोल्ट 2 विकेट, और साथ साथ कुणाल पांड्या को भी 1 विकेट मिला था। बॉलिंग बहुत बढ़िया कराई थी कुणाल पांड्या ने, विकेट्स भले ही कम दिख रहे हो आपको, लेकिन रन देखिए कितना बढ़िया इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कराई थी। सेकेंड रिसेंट मैच RCB के अगेंस्ट था, MI का जो मैच खेला था पहला ही मैच वो हार गए थे, तो यहाँ पे लिन ने अच्छा किया था, सूर्य कुमार यादव ने अच्छा किया था, ईशान किशन ने कुछ रन्स बनाए थे। बॉलिंग से अगर देखें तो मार्को यानसन, जो कि मेरे हिसाब से इस मैच में तो जो है मोस्टली ही फ्यूचर करेंगे, देन यहाँ पे जसप्रीत बुमराह के 2 विकेट थे, कुणाल पांड्या का 1 और ट्रेंट बोल्ट का 1 विकेट। उससे पुराने वाले मैचेस भी हैं देख लेना। यहाँ पे मुंबई का परफॉर्मेंस वैसे देखा जाए तो ऑन स्पॉट रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस वेन्यू पे मुंबई ने अभी तक किया हुआ है। ओके, हिस्टोरिकली सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है 5 मैचेस खेले, 5 के 5 मैचेस इस वेन्यू पे इन्होंने लॉस किए हैं, और 8 से थोड़ा ऊपर का रन रेट है। रन रेट के मामले में भले ही आगे हैं, लेकिन विंस बिल्कुल नहीं है अपने खाते में। जो रिसेंट मैच खेला था RCB के अगेंस्ट खेला, और जो है मैच को हार गए थे, सिर्फ 149 या 150 बनाना, बस इनको 150 बनाना था, वैसे देखा जाए तो 149 का स्कोर था, 150 बनाना था यहाँ पे जो है मैच को। ये बहुत ही बुरी तरीके से हार गए थे, एकदम कोलैप्स हुआ। स्टार्ट अच्छा किया था वार्नर ने, और जो है यहाँ पे मनीष पांडे ने भी लगभग संभाल लिया था इनिंग्स को, जैसे ही मनीष पांडे का विकेट गया उसके बाद से यहाँ पे जो है लगातार जैसे बिल्कुल आते जाते रह गए सारे बैट्समैन। जेसन होल्डर ने पहला इनिंग में 3 विकेट्स निकाले थे, रशीद खान ने 2 विकेट निकाले थे, उसके अलावा शहबाज नदीम और टी नटराजन और साथ साथ भुवनेश्वर कुमार को 1-1 विकेट मिला था। सेकंड रिसेंट मैच जो इस वेन्यू पे इन्होंने खेला है वो जो है KKR के अगेंस्ट था मैच, और उस मैच में परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो यहाँ पे मनीष पांडे ने अच्छा किया था। वैसे उस मैच को भी हारा था इन्होंने चेज करते हुए सिर्फ 10 रन से, बहुत क्लोजली इन्होंने फाइट दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो एफर्ट रहता है वो यहाँ पे कमी देखने को मिली है। मनीष पांडे और जॉनी बेस्टो ने अच्छा किया था उस मैच में। उसके अलावा बॉलिंग से मोहम्मद नबी और साथ साथ रशीद खान के 2-2 विकेट हैं, टी नटराजन भुवी के 1-1 विकेट। उससे पुराने वाले मैचेस हैं वहाँ पर भी आपको वार्नर और पांडे का नाम लगातार देखने को मिलेगा,
ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं और भुवी इस वेन्यू पे हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं, और रशीद खान इस वेन्यू पे हमेशा एक विकेट तो इन्होंने हमेशा निकाला है, जब भी खेला है तो एक विकेट एटलीस्ट इनके खाते में रहा है। ओके, तो ये था ऑब्जर्वेशन। अब चलते हैं प्लेयर्स इस वेन्यू पे। डेविड वॉर्नर ऊपर आते हैं, आप परफॉर्मेंस देख लेना, मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगा। रिद्धिमान साहा 18 का एवरेज है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। रोहित शर्मा 20 का एवरेज है इस वेन्यू पे। मनीष पांडे 8 इनिंग में जो है 24 का एवरेज है। कारन प्लॉट 9 इनिंग खेल रखे हैं, 20 के आसपास का एवरेज मेंटेन किया है। सूर्य कुमार यादव 67 का एवरेज है, 4 इनिंग में एक बार 50 लगा चुके हैं। सौरभ तिवारी 6 इनिंग में 25 के आसपास का एवरेज है। उसके बाद यहाँ पे विजय शंकर है, 4 इनिंग में 88 रन है। बॉलिंग से पीयूष चावला 7 इनिंग में 9 विकेट, और कैरन पोलार्ड 9 इनिंग में 8 विकेट। बैसिल थम्पी 4 इनिंग में 7 विकेट, और उसके बाद टी नटराजन 3 इनिंग में 4 विकेट। भुवनेश्वर कुमार के 5 इनिंग में 3 विकेट्स हैं। शॉर्टलिस्ट करें तो डेविड वॉर्नर, मनीष पांडे, सूर्य कुमार यादव बैटिंग से अच्छे नज़र आ रहे हैं, और पीयूष चावला ये बॉलिंग से इकलौते प्लेयर हैं जो करंट अभी खेल सकते हैं, पॉसिबल है। कैरन पोलार्ड बॉलिंग नहीं कराया लास्ट मैच में, बस एक ओवर बॉलिंग मिला था, उसमें भी 12 रन पिटवाए थे। और उसके बाद नटराजन तो कुछ खास उतना इंप्रेसिव नहीं लगे हैं मेरे को, बिकॉज सिर्फ 3 ही इनिंग के लिए और 4 विकेट्स निकालने हैं, और ये इनका आप कह सकते हैं एक तरीके से होम वेन्यू भी होने वाला है। ओके, मुंबई इंडियंस की तरफ से टीम प्रीव्यू की बात करता हूं, तो यहां पे बहुत बड़े चेंजेस तो नहीं होंगे, लेकिन जनरली मैं मानता हूं एक चेंज करना चाहिए। मार्को एंसन की जगह यहां पे आतो जो है यहां पे ला सकते हैं, जो एडम मिलने हैं, और साथ साथ इनके पास नेथन कुल्टर-नाइल हैं, तो दोनों ऑप्शन इनके पास अवेलेबल हैं, तो दोनों में से कोई एक तो एटलीस्ट खिला सकते हैं। वरना एक ऑलराउंडर चाहती है टीम, जैसे कि मार्को एंसन के जैसा ही अगर कोई ऑलराउंडर चाहती है तो पॉसिबल है। यहाँ पे जिमी नीशम का भी ऑप्शन आप इनके पास अवेलेबल है, तो उनको भी ट्राई किया जा सकता है। रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक और ट्रेंट बोल्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से होने वाले हैं। पॉसिबल 11 की बात करता हूं, तो रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे। सूर्य कुमार यादव 1 डाउन पे, 2 डाउन पे ईशान किशन, उसके बाद हार्दिक पांड्या, कैरन पोलार्ड, कुणाल पांड्या, मार्को यानसन, देन उसके बाद यहाँ पे राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट। अब बस यहाँ पे मार्को यानसन की जगह कोई भी एक चेंज मेरे हिसाब से लाना चाहिए। अब बस दो मैच, लास्ट मैच में सिर्फ 2 ओवर कराया था, तो मायने नहीं रखता कि यहाँ पे आप एक फॉरेन प्लेयर को बिल्कुल जो है वेस्ट जाने दे। या तो इनके जगह एक प्रॉपर बैट्समैन खिला लो, और पॉसिबल हो तो यहाँ पे मिडल ऑर्डर में कोई एक प्लेयर खिला लो। आपके पास ऑप्शंस हैं तो क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जिमी नीशम एक अच्छा ऑप्शन रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, अगर बैटिंग बॉलिंग दोनों से कुछ चाहते हैं कंट्रीब्यूशन एक फॉरेन प्लेयर से, तो ज़रूर वो एक अच्छा ऑप्शन है। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से टीम न्यूज़, वैसे तो कुछ खास बढ़िया यहाँ पे जो है न्यूज़ नहीं निकल के आती, बड़ा न्यूज़ निकल के नहीं आती है। की प्लेयर्स की बात करें तो डेविड वॉर्नर, जेसन होल्डर और रशीद खान होने वाले हैं। पॉसिबल 11 में देखेंगे तो मेरे हिसाब से कोई बड़ा चेंज तो नहीं होना चाहिए, बस बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाली ये बात है कि इनके पास जो प्रॉपर बैट्समैन है, यानी जो बिल्कुल बैटिंग के लायक जो बैट्समैन है, वो है 4, और अब्दुल समाद मान लो थोड़ा ऊपर आते हैं ये, तो अब्दुल समाद 5 तो बैट्समैन इनके पास हैं, और छठा ऑप्शन इनके पास नहीं है एज अ प्योर बैट्समैन, और इनके पास जो है ऑलराउंडर्स हैं जो कि जेसन होल्डर और विजय शंकर। उसके बाद इनकी टेल स्टार्ट हो जाती है, रशीद खान, भुवी और नटराजन, शहबाज नदीम। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं बैटिंग इनकी थोड़ी डेप्थ कम है, तो बैटिंग डेप्थ बढ़ानी चाहिए। अब विजय शंकर को खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप बॉलिंग बैटिंग कुछ नहीं करा रहे हैं तो विजय शंकर को हटाओ और कोई और बैट्समैन लाया जा सकता है यहाँ पे, एक प्रॉपर बैट्समैन। और उसके बाद यहाँ पे अब्दुल समद, देन उसके बाद होल्डर आएंगे नीचे, तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे है ये, तो देख लेना यहाँ पे जो है समद ऊपर आएंगे, होल्डर नीचे, उसके बाद रशीद, देन उसके बाद ऐसे जो है इनका टेल होगा। ओके, तो ये एक अच्छा ऑप्शन नज़र आ सकता है। अब गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो गिव अवे विनर है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और लास्ट वीडियो का जो मिस्टेक वाला जो कमेंट था वो किसी ने सही नहीं किया था, तो अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, जो मैंने मिस्टेक्स की थी, 2 मिस्टेक्स थी वैसे, दोनों ही मिस्टेक्स जो है वो स्कोर में थी। बस एक किसी ने जो है पॉइंट आउट किया था कि 25 रन से वो विन नहीं किया था, वो आई गेस 24 या 26 रन से उस मैच को विन करना था, तो वो वाला सही था। एक और वैसे ही मैंने कुछ जो है यहाँ पे स्कोर कार्ड में थोड़ा बहुत जो है इधर उधर किया था, और स्कोर कार्ड्स में ही मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने डेट में कुछ किया है। ओके, डेट आप मत देखना, बिकॉज ये जो डेट्स होती हैं हिटवेड के, जो डेट्स निकालता हूं ये एक दिन पीछे के ही डेट्स होती हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना। और मैं जो मिस्टेक्स करता हूं वो ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स में करता हूं। अब देखो यहां पे जैसे आपको पार्शियली नजर आ रहा है, जो पार्शियल मिस्टेक्स होते हैं वो करता हूँ, तो ध्यान रखना ऐसे कुछ मिस्टेक्स होते हैं। 149 मैंने यहाँ पे लिखा है, अब मान लो यहाँ पे 151 है, तो यहाँ पे कितने विकेट्स, यहाँ पे 0 विकेट्स गए। ओके, सनराइजर्स हैदराबाद के, और इस मैच को यहाँ पे सनराइजर्स ने 10 विकेट से विन किया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पॉसिबल है मैं यहाँ पे एक विकेट डाल दूँ, ताकि आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे 10 विकेट हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 विकेट होने चाहिए। तो ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पे जो है गलती करता हूँ, यानी जानबूझ के ऐसे ही कुछ जो है एरर्स मैं डालता हूँ वीडियो में, तो ऐसे एरर्स होते हैं, ना कि ऐसे एरर्स जो कि आप जाके जो है देखेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा अरे 16 मैचेस खेले उसमें 8 इन्होंने जीते हैं, इन्होंने 7 मैंने यहाँ पे लिखा, ऐसा कुछ नहीं होता। गलती मैं ऐसी पार्शियल गलती करता हूँ जो कि आपको बस यहाँ पे देखने से ही पता चल जाए, ऐसा नहीं कि आपको वेबसाइट ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पे डेटा देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप अगर स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहीं
में मिस्टेक्स होती है छोटी मोटी, तो वो मिस्टेक्स के लिए 100 रुपीज़ का गिव अवे होता है। पूरा वीडियो देखेंगे ध्यान से तो ज़रूर जो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं। वैसे इस वीडियो में वो वाला गिव अवे नहीं है, मिस्टेक्स मैंने डाली नहीं है, तो ध्यान रखना इस वीडियो में मैंने वो वाला नहीं रखा है। रैंडम कॉमेंट से ही पिक करूँगा 500 वाला, तो ज़रूर जो आप रैंडम कॉमेंट्स करना और साथ साथ हैशटैग यूज़ करना MI vs SRH ये वाला हैशटैग यूज़ करते हुए आपने कॉमेंट्स कर देना। हेड टू हेड हिस्ट्री की बात करता हूँ तो 16 मैचेस हुए हैं, 8-8 दोनों टीम्स ने जो है बराबर जीते हुए हैं, और SRH ने भले ही चेस करते हुए जीता हो लेकिन मैं नहीं मानता SRH चेस करने में उतना कैपेबल है। अब देखो क्या होता है कि MI के अगेंस्ट जैसे ही इनके बॉलर्स आते हैं तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बिल्कुल फीका हो जाता है इनके बॉलर्स का। वैसे यहाँ पे संदीप शर्मा का परफॉर्मेंस है, जेसन होल्डर, ये सब कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं। अब जो जिताते हैं मैचेस इनके बैट्समैन जिताते हैं, और ख़ास करके जो इनके ओपनर हैं जो इनके कैप्टन डेविड वॉर्नर, यही लगातार मैचेस में परफॉर्म करके जिताते हैं, तो इसीलिए इनका जो चेजिंग रिकॉर्ड अच्छा है। वैसे MI ने जो दोनों सिनेरियो में अच्छा किया हुआ, लास्ट 5 हेड टू हेड में MI ने 3 जीते हैं, सनराइजर्स ने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं। रिसेंट कुछ 5 हेड टू हेड मैचेस मैंने आपके सामने डाले हैं, आप देख लेना, लगातार आपको एक ही कॉमन नाम देखने को मिलेगा, डेविड वॉर्नर, यही नाम है जो रिपीटेडली आपको देखने को मिलेगा। इनके साथ साथ में बेस्ट्रो, कभी पांडे, कभी जो है साहा, तो किसी ने परफॉर्मेंस दिया हुआ है। वैसे रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस एक बार ध्यान से देख लेना, कहीं पर भी 50 नहीं नजर आएगा लास्ट 5 मैचेस में, तो कहीं ना कहीं जो है फेल रहे हैं। तो यही चीज़ है कि आज मैं इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की सजेस्ट नहीं करूँगा। हेड टू हेड लीडर्स की बात करता हूँ तो डेविड वॉर्नर 11 इनिंग में 488 रन बना चुके हैं, 61 का एवरेज है, बहुत बढ़िया बैट्समैन है और अच्छा किया हुआ है अगेंस्ट MI। कैरन पोलार्ड है उसके बाद, देन उसके बाद रोहित शर्मा 16 इनिंग में 227 रन है, 17.5 के आसपास का एवरेज। यही रीज़न है कि आज मैं इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन किसी का सजेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। क्विंटन डिकॉक 4 इनिंग में 180 रन, 60+ का एवरेज है। कुणाल पांड्या के 9 इनिंग में 177 रन है, 29.30 का एवरेज है। सूर्य कुमार यादव 6 इनिंग में 155 रन है, 25 का एवरेज। उसके बाद मनीष पांडे 5 इनिंग में 144 रन, 36 का एवरेज है। रिद्धिमान साहा 4 इनिंग 105 रन, 35 का एवरेज। ईशान किशन 5 इनिंग 90 रन, 18 का एवरेज है। बॉलिंग सेक्शन से भुवनेश्वर कुमार 10 इनिंग में 16 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं। उसके बाद सिद्धार्थ कौल हैं 5 इनिंग में 12 विकेट्स हैं, बहुत बढ़िया किया था लेकिन अभी खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 10 इनिंग में 12 विकेट्स निकाले हैं। संदीप शर्मा 5 इनिंग में 9 विकेट्स निकाले हैं, और रशीद खान ने 8 इनिंग में 8 विकेट्स निकाले हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने 8 इनिंग में 5 विकेट्स निकाले हैं। लास्ट मैच में 7 बॉलर्स का यूज़ किया था MI ने, ओके 7 बॉलर्स, यहाँ तक कि रोहित शर्मा खुद बॉलिंग डालने आ गए लेकिन हार्दिक पांड्या से बॉलिंग नहीं करवाई, बिकॉज ये जो थ्रो कर रहे हैं वो भी जो है यहाँ पे अंडर आर्म थ्रो कर रहे हैं, और साथ साथ जो है जो थ्रो होता है कभी कभी लेफ्ट हैंड से फेंकते हैं और राइट हैंड से फेंकते भी हैं, तो वो ज़्यादा जो है यहाँ पे पुश नहीं देते, तो कहीं ना कहीं इनके कंधे में अभी भी वो सोरनेस है, तो इसी के चलते इनको बॉलिंग नहीं दी जा रही है। तो इसी वजह से मैं इनको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्मॉल लीग में पिक करने का रिस्क लेना। ग्रैंड लीग में हाँ, बैटिंग से एक अच्छी पिक बन सकते हैं, बिकॉज बैटिंग से ये उतने ही कैपेबल हैं जितना कि बॉलिंग से। मोहम्मद नबी 4 इनिंग में 4 विकेट्स। हेड टू हेड शॉर्टलिस्ट करें तो डेविड वॉर्नर, क्विंटन डिकॉक, और उसके बाद बॉलिंग से देखिए बहुत सारे पिक्स निकल के आते हैं, और मोस्टली जो है यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद के ही बॉलर्स हैं, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल, जसप्रीत बुमराह और संदीप शर्मा। संदीप शर्मा अगर खेलते हैं तो मेरे लिए इस मैच में मस्ट पिक रहेंगे, ये ध्यान रख के चलना, ओके। कुछ प्लेयर बैटल या मैचअप्स की बात करता हूँ तो वो मैंने आपके स्क्रीन्स के ऊपर डाल दी हैं, तो देख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा की बैटल्स हैं, मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता बिकॉज इन सब से आपका टाइम वेस्ट होता है, बाकी जो डेटा आपके स्क्रीन्स के ऊपर है उसको पढ़ के बताने में कोई जो है यहाँ पे 30 मार्का वाली काम करने की जरूरत नहीं है। सेफ स्मॉली के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टनसी की बात करता हूँ तो डेविड वॉर्नर, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, रशीद खान, इन 4 प्लेयर्स के साथ मोस्टली जनता अभी जा रही है, तो आप भी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल सेफ होकर इनके साथ जा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत रिस्क बोलो तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा तो मनीष पांडे होंगे सबसे पहला तो पिक, वो आप उनको ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टन तो मैं एटलीस्ट कहूँगा रख लो। लास्ट मैच में मैंने ट्राई किया था, बढ़िया किया, ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, तो इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज इस वेन्यू पे तो अच्छे रही हैं। हेड टू हेड में भी लगातार जो है वॉर्नर के साथ अच्छे इनिंग्स इन्होंने पार्टनरशिप बनाई हुई है। ईशान किशन लास्ट मैच में भले ही जो है फेल हो गए थे लेकिन जो इनका फॉर्म चल रहा है ना वो आप कह सकते हैं जितने बैट्समैन अभी अवेलेबल हैं अब अगर सिलेक्शन की बात करी जाए तो उनमें सबसे बेस्ट अगर जो किसी का फॉर्म चल रहा है तो वो ईशान किशन ही हैं जो बढ़िया फॉर्म से आ रहे हैं, ओके, तो इसलिए मैं इनका नाम डाल रहा हूँ। जेसन होल्डर बैटिंग से बॉलिंग से कैपेबल हैं, जैसे कि आपने देखा ऊपर सनराइजर्स हैदराबाद के विकेट्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो कहीं ना कहीं होल्डर की बैटिंग तो आएगी ही, उस सिनेरियो में अगर 1-2 छक्के भी लगा देते हैं तो आपके पॉइंट्स तो जोड़ेंगे ही, और बॉलिंग से 1 या 2 विकेट तो बहुत ही बढ़िया वाइस कैप्टन चॉइस बन सकते हैं स्मॉल लीग्स में। ग्रैंड लीग्स के कुछ अगर पंट्स की बात करता हूँ तो रिद्धिमान साहा लास्ट हेड टू हेड में आपने देखा नॉट आउट यहाँ पे जो है रहे थे ये, और अच्छी जो है यहाँ पे पारी खेली थी, तो उसी के चलते यहाँ पे बहुत ही एक्सप्लोजिव ओपनर है और या तो हिट होते हैं या तो मिस होते हैं, तो उसी के चलते मैं यहाँ पे इनको ग्रैंड लीग के पंट्स में डाल रहा हूँ। उसके साथ साथ भुवनेश्वर कुमार हमेशा इस वेन्यू पे जो है 1-1 विकेट निकाला हुआ है, और अगेंस्ट जो है यहाँ पे MI के अगेंस्ट इनका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आता है, तो इसलिए मैं भुवनेश्वर कुमार का जो है नाम डाल रहा हूँ। और साथ साथ यहाँ पे जो है टी नटराजन इस वेन्यू पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो
इसीलिए मैं इनका नाम भी डाल रहा हूँ, TNPL वगैरह में खेलते हैं, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा इनको आइडिया होगा इस वेन्यू का, तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये था स्टेटिस्टिकल बेस एनालिसिस जो मैंने आपके सामने खोल के रख दिया। वीडियो अगर सही लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर जो है ध्यान से कर लेना। सो एज ऑफ नाउ मेरी जो टीम मैं निकाल के बनाया हूँ वो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है। विकेट कीपर सेक्शन से मैंने सिर्फ दो पिक किए हैं, जॉनी बेस्टो और डीकॉक। मैंने यहाँ पे किशन ड्रॉप किया है, आप अगर चाहते हैं तो किशन ट्राई कर सकते हैं, टी नटराजन की जगह आप ट्राई करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, ट्राई कर सकते हो। उस सिनेरियो में क्या होगा कि बैटिंग का जो डेप्थ है इस कॉम्बिनेशन में वो बढ़ जाएगा, तो मैं यहाँ पे बॉलर्स ज़्यादा रखना चाहता था बिकॉज बॉलिंग से ज़्यादा विकेट्स गिर रहे हैं और रन्स कम बन रहे हैं, 150 के आसपास रन बन रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा बैट्समैन लेके कोई ज़्यादा जो यहाँ पे बनता नहीं है लॉजिक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है बैट्समैन को और एक बॉलर एक्स्ट्रा लिया है। बैट्समैन सेक्शन से तीन पिक किए हैं, डेविड वॉर्नर, मनीष पांडे, सूर्य कुमार यादव, जो कंसिस्टेंट है उन्हीं को लिया है। अब इस वेन्यू पे दोनों ही मैच में कृणाल पांडे की बॉलिंग देखते हुए मेरे को लग रहा है कि इस मैच में ये कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए, तो आप जरूर जो ट्राई कर लेना। लास्ट मैच में इतनी बढ़िया इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई थी, भले ही विकेट्स नहीं मिले, चांसेस बहुत अच्छे क्रिएट किए थे, तो उसी के चलते मैं इनको पूरा जो है अपनी टीम में रखने की कोशिश करूंगा। जेसन होल्डर मैंने जैसे बताया ऑलराउंडर सेक्शन से एक अच्छी पिक है बिकॉज बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ खास ऑप्शन मेरे को नहीं नज़र आ रहे हैं ऑलराउंडर सेक्शन में अब, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है नहीं लिया है। अब बोल्ट को लिया है और साथ साथ रशीद खान लिया है और राहुल चहर जो लास्ट मैच में इस वेन्यू पे चार विकेट्स निकाले हैं, इसीलिए जो है इन तीनों को लिया हुआ है। अब टी नटराजन की जगह जैसे मैंने बोला आपके पास ऑप्शन है, अब यहाँ पे लगता है मार्को यानसन की जगह मेरे को अगर यहाँ पे एडम मिलने खेलते हैं या मान लो यहाँ पे कोई और भी खेलता है जिमी नीशम या कोई भी, तो मैं उनको ज़रूर ट्राई करूँगा, तो उस सिनेरियो में टी नटराजन ही मोस्टली ड्रॉप करूँगा। और बेसिकली मेरे कैप्टन या वाइस कैप्टन अब तो डेविड वॉर्नर और सूर्य कुमार यादव हैं। मनीष पांडे सजेस्ट करूंगा, आप अगर बनाना चाहें तो ऑप्शन अच्छे हैं, आप बना सकते हैं, या जो है एक बॉलर के साथ जाना रशीद खान एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं, या जो है यहाँ पे राहुल चहर भी एक अच्छा ऑप्शन है। फर्दर मेरा जो टीम होगा फाइनल अपडेट के बाद, लाइनअप आने के बाद, आपको जरूर जो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, डायरेक्टली वहाँ पे जुड़ सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेशन और मेहनत काम पसंद आया, वीडियो को बिना भूले लाइक कर देना अप्रिशिएट करने के लिए, और साथ ही साथ सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़रूर जो है लाइक कर देना, सॉरी जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सपोर्ट आपका ज़रूर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय में, तो ज़रूर जो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ साथ बेल आइकन जो बन के आएगा ना उसको ऑल पे सेट जरूर जो ध्यान से कर देना। तो बस इतना ही था अपडेट इस वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत न्यू अपडेट्स के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू 3000।